गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सपनों की भी कीमत होती है और कामयाबी भी उसी को मिलती है जो उस कीमत को अदा करने की हिम्मत रखता है। अगर आपने इरादा बना लिया है कामयाबी हासिल करने का, तो फिर हालात मायने नहीं रखते। सुबह सुबह हल्की सी ठंड है और इस टाइम जो नींद आती है ना, ओ माय गॉड, बट क्या करें। अगर इस टाइम नहीं पढ़ा तो पूरे दिन डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए मॉर्निंग में जल्दी उठ करके मैं अपना पढ़ने बैठ गई हूँ और कल रात को जो मैंने पढ़ा था सबसे पहले उसको रिवाइज करूँगी। शब्द भेद मैंने कल रात को शुरू किया था और ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो आगे का शुरू करने से पहले एक बार रात वाला मैं रिवीजन करूँगी। ये मेरा तरीका है चीज़ों को याद करने का, क्योंकि हिंदी वैसे भी मैंने कभी अलग से पढ़ा नहीं है तो मुझे जल्दी याद नहीं होता और मैं भूल जाती हूँ। अभी मैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी ये सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ पर मैं भूल जाती हूँ, चीज़ें जल्दी मेरे माइंड में सेट नहीं होती है हिंदी, तो इस वजह से मुझे कई बार रिवीजन करना पड़ता है हिंदी के लिए। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आप पढ़ती तो हैं पर भूल जा रही हैं, चीज़ें माइंड में सेट नहीं हो रही, तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, अपने आप चीज़ें याद होने लग जाएंगी। बिहार TGT के लिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, तो जैसे आपने इतने दिन वेट किया, 2 से 3 दिन और वेट कर लीजिए, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हर कोई सिर्फ अपने तरफ से प्रेडिक्ट ही कर रहा था कि हाँ ये हो सकता है और उसी हिसाब से सब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहे थे, बट जैसे ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं अभी पढ़ रही हूँ समीक्षा अधिकारी के लिए। बिहार TGT का मैं देने वाली हूँ या नहीं अभी तक मुझे खुद भी क्लियर नहीं है, क्योंकि चीज़ें मेरे लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो मैरिड नहीं है वो कहीं पे भी जा कर के जॉब कर सकते हैं, उनके पास कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिकॉज बच्चे भी छोटे हैं, फैमिली है, चीज़ें सब सेट है, तो उनको हम अचानक से छोड़ नहीं सकते, छोटे बच्चों को लेकर के कहीं भी सेट नहीं हो सकते, बट देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे भी UP में अभी कोई टीचिंग की वैकेंसी भी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने RO मेन समीक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। OTR नंबर आज मुझे मिल जाएगा, उसके बाद फिर आज मैं फॉर्म फिल कर दूंगी। कुछ दिन पहले ही मैंने अपना 1 time रजिस्ट्रेशन किया है तो वो 3 दिन बाद OTR नंबर अलॉट होता है, आज मुझे मिल जाएगा तो मैं आज अपना फॉर्म फिल करूँगी। और ये पढ़ने के बाद कुछ उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको मैं कर रही थी। मैं अभी अरिहंत से पढ़ रही हूँ, अरिहंत की हिंदी मेरे पास है, पुरानी बुक है बट अच्छी है, सफिशियंट है मेरे लिए। अगर आप भी समीक्षा अधिकारी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ें आपके पास, जो रिसोर्सेस हैं, पहले उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है वो है हमारा लूसेंट। मैं अभी लूसेंट से पढ़ रही हूँ, उसके अलावा लूसेंट के अलावा घटना चक्र, और थर्ड है अरिहंत की हिंदी। हिंदी के लिए मैंने अरिहंत की बुक प्रेफर की है। जब मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लूँगी तब मैं आगे कुछ और देखूँगी, बट इतना अभी सफिशियंट है। और इसलिए आप भी सिर्फ स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने पर ध्यान मत दीजिए, जो है पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और एक अच्छी सी पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, कोई सजेशन होगा तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.